हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली ये बहुत चर्चा में रहा है। इसका रीज़न है कि बहुत सारी जगह देखा गया है, कई पार्टियां आपस में मर्ज हुई हैं। महाराष्ट्र में जैसा देखा जा सकता है, एमएलए इन द सेंस मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक जो होते हैं, हमने देखा महाराष्ट्र में कुछ शिवसेना के मेंबर जो है बीजेपी में चले गए और बीजेपी के मेंबर इससे पहले अदर पार्टी में जाते हुए देखे हैं। रिसेंटली अभी जो केस आया शरद पवार और उनके भतीजे के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है एनसीपी को लेकर, वो भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड है। तो इससे रिलेटेड जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली को हिंदी में क्या कहते हैं और चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्या रोल होता है। आज हम सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है, आज हम जान लेते हैं कि जो पॉपुलर हाउस होता है स्टेट का, जिसे लोअर हाउस कहा जाता है, उसे लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। ये लोअर हाउस है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होता है वो अपर हाउस होता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर आते हैं, जबकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसे पॉपुलर हाउस ऑफ स्टेट कहा जाता है, उसमें जो मेंबर आते हैं वो हमारे डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं पीपल को। जो जो हमारी सिटीजन है स्टेट के, वो उसे डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसे विधानसभा कहा जाता है और उसे विधान परिषद कहा जाता है। इसीलिए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो इसमें पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसे प्रिसाइड कौन करता है। तो चीफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर इसमें डिप्टी स्पीकर होते हैं। जैसा यहाँ पर हमने देखा कि स्पीकर प्रिसाइड करते हैं, मगर अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, जैसा आप देख सकते हो नीचे स्पीकर प्रेजेंट नहीं है, तो डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड करेंगे। मगर आप यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए, जब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों में से कोई प्रेजेंट नहीं है, तो उसे जो प्रिसाइड करेगा वो गवर्नर डिसाइड करेगा। वैकेंट पोस्ट है, आप यहाँ पर एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, वैकेंट है। वैकेंट अगर पोस्ट नहीं है, कोई किसी काम से गया है, तो चैम्बर बना लेते हैं ये लोग, 10-12 लोगों का चैम्बर बना लेते हैं। उसमें से आदमी आता है, बैठता है, वही मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के। मगर जब वैकेंट पोस्ट है, आप हमेशा इस पर गौर दीजिएगा, ये जो वैकेंट पोस्ट है, ये वैकेंट पोस्ट जब होती है तो गवर्नर क्या करता है, ये वैकेंट पोस्ट को फिल करता है और डायरेक्टली चूज करता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके लिए इलेक्शन होता है। तो ये मतलब ये लेजिस्लेटिव असेंबली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्या रोल होता है, इसके बारे में बात बताई गई। जैसे स्पीकर क्या होता है, प्रिसाइड करता है, स्पीकर कंडक्ट करता है, स्पीकर मनी बिल डिसाइड करता है, अदर जो वर्क हैं स्पीकर के वो और कभी देखेंगे। मगर आज हमारा जो लेक्चर है, जो हमारी बातें हैं, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव असेंबली पर्टिकुलर उसके ऊपर बात है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं, जैसे कि बताया गया है कि इसमें कम से कम 60 मेंबर होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 500 मेंबर हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर इससे कम मेंबर होंगे तो वहाँ पर सेंटर डिसाइड करेगा कि कितने लोअर मेंबर होना चाहिए। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो यहाँ पर हमने ये चीज़ देखी। तो यहाँ पर ये जैसा कि यहाँ बताया गया है कि 60 से कम मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मगर 60 से कम मेंबर हमारे कौन कौन से स्टेट में है, आगे चल के हम देखेंगे कि गोवा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर 60 से कम मेंबर हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। आगे हम देखिए, आगे पहले क्या है, ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं, इस सबसे पहले क्या था, लेजिस्लेटिव असेंबली में 5 मेंबर, वो 5 साल का टर्म हुआ करता था, मगर 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने इसे 6 साल का टर्म कर दिया था। अब इसके बाद क्या होता है, 44th अमेंडमेंट आया, जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चली गई तो उसके बाद 44th अमेंडमेंट आया जनता गवर्नमेंट में। तो 44th अमेंडमेंट ने क्या किया, फिर से इसका टर्म जो है 5 ईयर कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लेता है कभी कभी कि किस अमेंडमेंट के थ्रू 6 ईयर टर्म्स था, किस अमेंडमेंट के थ्रू फिर से 5 ईयर हुआ है। आजकल यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ये पीसीएस में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे जैसे मैंने बताया ही था कि लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा कहते हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहते हैं, वो इनडायरेक्टली होती है उसको, और ये डायरेक्टली चुने जाते हैं। अब जैसे क्या हमारे इंडिया में यूनिकैमरलिज्म और बाइकैमरलिज्म का प्रावधान है। यूनिकैमरलिज्म क्या होता है, जिस स्टेट में केवल एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है। मान लीजिए कोई स्टेट है,
उस स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली है ओनली, और कुछ स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होती। आप यहाँ पर एक बात इम्पॉर्टेंट है ध्यान से जान लेना, हमारे यहाँ 28 स्टेट में 6 स्टेट ओनली ऐसे हैं जिसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अब 6 स्टेट आपको मैं बता देता हूँ, आगे चल के मैं इसका फ़ोटो भी आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। 6 स्टेट कौन से हो गए, जैसे हमारा कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, और आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, और हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। ये 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर दोनों बाईकैमरलिज्म है, यूनिकैमरलिज्म नहीं है। वेस्ट बंगाल में भी अभी रिसेंटली ममता बनर्जी ने कोशिश की कि हम यहाँ पर बाईकैमरलिज्म रखेंगे, उसके लिए सेंटर को प्रावधान दिया गया। तो और इस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये जान लीजिए, बाईकैमरलिज्म के लिए एक ख़ास बात होती है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, फुल मेजॉरिटी के साथ, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का क्या मतलब है कि 2/3 जो होता है मेंबर जो प्रेजेंट हैं वो वोट करेंगे, और बाकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब है कि 50% से ऊपर चाहिए ही चाहिए किसी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, जैसे मान लीजिए यूपी है, यूपी में कहा योगी जी ने हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर आपको चाहिए तो आप जो है 2/3 मेजॉरिटी, जिसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं, जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, मान लीजिए मेंबर प्रेजेंट हैं हमारे यहाँ 500, तो उसकी 2/3 मेजॉरिटी हमें चाहिए, और प्लस जो प्रेजेंट एंड वोटिंग चाहिए, जो प्रेजेंट है उस टाइम असेंबली में वो चाहिए। मान लीजिए 400 प्रेजेंट है तो उसका 2/3 आप निकाल लीजिए तो 2/3 हो गई। और एब्सोल्यूट प्लस क्या होगा, एब्सोल्यूट का मतलब है कि जितने टोटल मेंबर हैं, मान लो 500 मेंबर हैं उसका 250 तो चाहिए ही चाहिए, तो ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होती है। तो इस तरह से किसी भी स्टेट में जो है बाईकैमरलिज्म या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाने के लिए। फिर क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल भेजती है, उसे सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा में दे देते हैं, वो हो जाता है, और जबकि स्टेट में हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। तो आज हमने देखा कि कैसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली का क्या रोल है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्पीकर का क्या रोल होता है, डिप्टी स्पीकर का क्या रोल होता है, अगर डिप्टी स्पीकर और स्पीकर प्रेजेंट नहीं है तो गवर्नर कैसे डिसीजन लेगा। हमने सेंटर का रोल देखा कि 60 से कम सीटें हैं गोवा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में, तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से डिसाइड करती है, ये सब चीज़ें हमने जानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि आज करंट में इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, महाराष्ट्र में जो इस टाइम क्राइसिस चल रहा है, जो इमर्ज हो रहा है, कभी एनसीपी में, कभी शिवसेना में, कभी बीजेपी में, तो उसके लिए ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको आप ध्यान से एक बार मेरे लेक्चर से कवर कीजिए, अगर कोई दिक्कत आती तो आप मुझसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।